अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं एटीएम पे आई हुई थी मगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी है। ये ऊपर से नज़र आ रहा था, ये है स्टिच एंड मैच ब्लॉक प्रिंटिंग। यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि ज़रा अंदर जाके पता करें कि ये किस हिसाब से हो रही है। मैंने ये पहली दफ़ा बहरिया में कहीं ब्लॉक प्रिंट होते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर साहब, मैंने ये पहली दफ़ा बहरिया में कहीं ब्लॉक प्रिंटिंग होती हुई देखी है। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया, कैसा रिस्पांस है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रिस्पांस है। और किस तरह, जैसे ये तो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आप बना रहे हैं, थोड़ा सा कहाँ पे? अच्छा, ये सारे ब्लॉक प्रिंट है। हाँ ऑफ कोर्स, सही। चार नंबर है। ये थ्री पीस सूट है और ये कितने का है? कितने का है ये थ्री पीस सूट? थ्री थाउजेंड जो है वो प्रिंटिंग का है सर। मुझे एक सॉरी दोबारा बताइएगा। वो सारा पेंट किया हुआ, नीचे डाई नहीं किया हुआ, वो मेरा अपना ब्लॉक से उसको ना कलर किया हुआ नीचे जो। तकरीबन एक सूट की कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट तकरीबन 600-700-800 केमिकल के हिसाब से। 6-7 हज़ार? 6-700 रुपए की आती है। तो क्या ठप्पे का हिसाब होता है, या अगर मैं आपको एक शर्ट ला के देती हूँ कि मुझे बाजुओं पे और गले पे बना दें तो फिर वो उसका फिर रेट? वैसे नॉर्मल शर्ट का हम 1000 रुपये लेते हैं, दामन बनाते हैं। अच्छा, हाँ। गला और बीच में छान डालते हैं और वो 1000 रुपीस का होता है। और कितने दिन में तैयार करके देते हैं? 2-3 दिन में, रश ना हो, रश ज़्यादा तो फिर हफ्ता डेढ़ भी लग सकता है। और मैं मतलब है कि कलर स्कीमिंग जो होती है वो क्लाइंट की मर्जी की होती है? क्लाइंट की मर्जी, जो भी कलर्स वो चाहें। हाँ, जो भी मैचिंग हो, किसी किस्म का कलर हो वो बनता है। और ये माशाल्लाह आपके पास तो, खैर ऑब्वियसली आपका काम है तो आपके पास तो कलेक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपकी कलेक्शन है कहाँ से, यानी ये खास बनवाते हैं या लाते हैं? ये जंग से बनते हैं। ये जंग से बनते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे आप ये बना के, थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा। ब्लैक कलर है ये? ब्लैक कलर है, ग्रीन लग रहा है। अच्छा, ब्लैक जूट डालेंगे तो ये कलर इसका मुकम्मल करेंगे। तनवीर भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ब्लैक कलर को इसके ऊपर जूट रखना पड़ता है ना। अच्छा, ताकि कलर इक्वल उसमें लगे कपड़े के ऊपर। अच्छा, फिर ये इसकी फिलिंग होती है, पहले ये आउटलाइन लगाइए। अच्छा, ये आउटलाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर अब फिलिंग लगेगी ब्लैक कलर की ना। दोबारा इसको नीट करने के लिए इसके ऊपर दोबारा गोल्डन आउटलाइन आएगी, फिर ये चमक भी ज़्यादा हो जाएगी और अलग अलग कलर नजर आएंगे। यानी तकरीबन आपको 3 कोट्स करने पड़ते हैं? 3 कोट। खूबसूरत। और अगर ये ब्लैक की जगह कोई भी कलर? हाँ जी, ग्रीन, रेड लगवा ले, मैरून लगवा ले, पर्पल लगा ले, ये कार की अपनी मर्जी होती है। और कितना वॉश के बाद ये फेड होता है या नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये गोल्डन जो होता है ना जी, ये हैंड वॉश होता है। अच्छा, ठीक है। वो जो कलर होते हैं वो फुल ब्रांडी वाले, जैसा मर्जी है। अच्छा, और इसमें सिल्वर भी होते होंगे? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। बहुत ही खूबसूरत काम है, मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा। मैंने एक लहंगा बनाया आपको दिखाइएगा। बहुत ही इंट्रीक काम है, ऑब्वियसली बहुत मेहनत का काम है। चल तनवीर भाई हमें लहंगा दिखा रहे हैं। ये पूरा नीचे फ्लेयर आएगा इसमें, ये पूरा लहंगा आपने बनाया है जी। और इसकी क्या कॉस्ट आई है? 3000 लिए। 3000? काफ़ी रीजनेबल है। 7 गज के 3000 लिए हैं। और सब में ऊपर ये चींटा टाइप है और नीचे ये बॉर्डर बना हुआ है। बेहतरीन, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये तो मेरे ख्याल से बहरिया की खवातीन के लिए बहुत अच्छा ये डेमो हो जाएगा, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। आती होंगी आप, आपको देख के, क्योंकि मैं भी यहाँ पे ऊपर एटीएम पे आई हुई थी तो मैंने कहा कि मैं देख लूँ, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ऊपर से आपका काम देखना।
और मेरे साथ अदील भाई भी हैं जो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आपके यहाँ सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग ही का काम होता है या अगर किसी ने? हमारे पास लेडीज स्टिचिंग, जेंट्स स्टिचिंग, जेंट्स स्टिचिंग भी है, ब्लॉक प्रिंट, हाथ कढ़ाई, मशीन कढ़ाई, सब कुछ होता है। और अगर मैं सादा सूट की सिलाई पूछूँ आपसे? 1500 ले रहे हैं। 1500 यानी पूरे सूट के शलवार कमीज। और जेंट्स का कितना? जेंट्स का भी 1500 ले रहे हैं। 1500 है। और कितने दिनों में दे देते हैं? 3 से 4 दिन में। आपने ईद पे किसी को रुलाया तो नहीं? नहीं, वो इंशाल्लाह कोशिश होती है किसी को रुलाए ना और टाइम से पहले दे दे, बाकी लेट देर हो जाती है। इजाफा ईद कैसी गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गई। अच्छी गई। सुना है दर्जियों को कोई टाइम नहीं मिलता है इत्तेकाफ में रखने का? बिल्कुल, ये तो बात सच है। अच्छा, सही है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मैं इंशाल्लाह, कोशिश तो मेरी यही है कि प्रमोट करें, हम इतने सारे बिजनेसेस हैं हमारे यहाँ पास बहरिया में। यार बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। This was pretty interesting to know block print के बारे में, and that's available in Rabi Center का area, ये जो विलायत complex में है बहरिया में। Although there's something else is also happening, but I don't know. I think कुछ दुबई इस्लामिक बैंक का कोई गाड़ी शाड़ी का सीन है, कुरानदाजी and all. But very interesting.